तो इस सीरीज के अंदर हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिया, उसके बाद जो हमने दूसरा सेक्शन देखा उसमें किस तरह से हम बैठेंगे उसको देखा, और तीसरे सेक्शन के अंदर हमने वॉइस की बात की। अच्छा, इस सेक्शन के अंदर हम सिंपली ये बात कर रहे हैं कि आपको एक्चुअली जब प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये एक बिल्कुल डिफरेंट फिनोमेना है, आप पहले क्लासरूम में बात कर रहे थे, सारे बच्चे आपको देख रहे थे, बच्चे आपको समझ रहे थे, बच्चे सर हिला रहे थे आपको, आप पूछ भी लेते थे कि भाई नूर तुम्हें समझ में आया नहीं आया, तो नूर सर हिलाता था तो पता चलता था कि भाई नूर को समझ में आ गया। अब आपको एक जो है या तो कैमरा से बात करनी है या आपके मोबाइल फ़ोन से बात करनी है, तो इसके आगे डिफरेंट, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है आपको ये समझना है कि देखिए टीचिंग की कोर स्किल आपको आती है, ठीक है ना, तो यू नो हाउ टू टीच। और दूसरी बात यह है कि आप कोई नया काम नहीं कर रहे हो, ये आप हमेशा से करते हुए आए हो, बस आपको जैसे हमने लास्ट सेशन के अंदर देखा ये समझना है कि आप एक इंडिविजुअल से बात कर रहे हो, उस तरह से बात कर रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कोई और शख्सियत नहीं बनना, आपकी जो अपनी पर्सनैलिटी है वो टीचिंग की पर्सनैलिटी है, आपको उसी को अडॉप्ट करना है और उसको लेते हुए चलना है। तो ये बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर है और जस्ट ये अज्यूम करें कि आप एक इंडिविजुअल बच्चे को पढ़ा रहे हैं और टीचिंग आपको ऑलरेडी आती है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेट्स डू इट।